So, काफी लोग स्टॉक मार्केट में ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि अपने को डिविडेंड मिलेगा, काफी डिविडेंड मिलेगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरे को काम करना नहीं पड़ेगा। बॉस थोड़ा स्लो डाउन, ये डिविडेंड के लिए मैं आपको पूरा आइडिया देता हूं आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इफ यू आर लुकिंग टू गेट ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड एवरी मंथ क्लोज टू। अगर आपको हर महीना 50,000 चाहिए डिविडेंड से ओनली, कुछ भी मतलब काम नहीं करने का, देन यू नीड टू इन्वेस्ट क्लोज टू 1 crore rupees इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपको 1 lakh चाहिए देन यू नीड टू इन्वेस्ट समवेयर क्लोज लाइक 2 to 2.5 crores। अगर आपको 2 lakh rupees चाहिए यू नीड टू इन्वेस्ट समवेयर क्लोज लाइक 4 crores इन द स्टॉक मार्केट। सो काफी ज्यादा पैसा चाहिए, बट अगर आप ऐसे सोचते हो बाप रे इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा, मेरे को तो डिविडेंड कभी नहीं मिलेगा, सो स्लो डाउन अगेन। आपको ये एक मतलब डाउन द लाइन को 10 साल सोच के चलेंगे, मेरे को 10 या 15 साल में मेरा स्टॉक मार्केट जो पोर्टफोलियो अगर 2 या 3 crore हो जाता है, देन मेरे को 2 मतलब 10 साल के बाद मेरा सैलरी को अगर ये मेरा डिविडेंड क्रॉस कर जाता है, सो नथिंग बेटर देन दैट। ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट ओनली। आपको 10 साल तक या 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करते रहना है, छोटा छोटा जितना भी मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो इन्वेस्ट करो। 10 साल के बाद आपको देखने का कि अगर आपका सैलरी को क्रॉस करके आपका डिविडेंड चले गया, यू आर कंप्लीटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स।